डार्क वेब बहुत इम्पॉर्टेंट मज़मून है, इस वाले से हमें यकीनन बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अमूमन पाकिस्तानियों में ये तासर पाया जाता है कि डार्क वेब सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के ही लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जहाँ पर इसका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत सारे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स के साथ और उसके पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव्स के साथ किया जाता है। डार्क वेब को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप समझ लें कि इंटरनेट हमारा जो है वो एक समंदर है, गहरा समंदर है, और इसकी मुख्तलिफ तहें हैं, और एक तह जिसको हम कहते हैं कि सतही तह, आप समझ लें कि साहिल समंदर जैसे होता है। और मैं कहूँ कि अगर आप एक जाल लें और जाल से समंदर में से जो कुछ भी है वो पकड़ के बाहर निकाल दें, तो आप जहरी बात जब जाल फेंकेंगे तो सतह के ऊपर या साहिल समंदर के ऊपर जितनी आपके जाल की रसाई होगी उसको आप डालकर जब बाहर निकालेंगे तो जितना जो कुछ भी उस साहिल समंदर के ऊपर मौजूद है वो उतना ही निकल के आएगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि जो समंदर के अंदर बाकी जो चीज़ें हैं, जिस बाकी मवाद था या जो जितनी भी हयात है वहाँ पर, वो सारी की सारी उस जाल के अंदर निकल के आ गई है। हरगिज़ नहीं, समंदर बहुत बड़ा होता है। इसी तरीके से इंटरनेट भी बहुत बड़ा है। आपको मैं बता दूँ कि जो इंटरनेट हम ब्राउज़र्स के मदद से एक्सेस करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउज़र हो गया या ओपरा हो गया या फिर मोज़िला हो गया या कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितने भी ये ब्राउज़र हैं जो कि ट्रेडिशनल ब्राउज़र हैं, उनकी ज़्यादा रसाई नहीं है कि इंटरनेट में से हर चीज़ को एक्सेस कर सके। उस तक रसाई मुमकिन उनकी नहीं है। तो दूसरी तह पर उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी तह कौन सी है? दूसरी तह है डीप वेब। सतही वेब के बाद एक डीप वेब है, गहरा इंटरनेट, गहराई पे जो इंटरनेट मौजूद है, और उस गहराई के अंदर एक और इंटरनेट की तह मौजूद है जिसे कहते हैं डार्क वेब। और डार्क वेब वो वेब है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं या होती हैं जिनको अक्सर ममालिक इलीगल करार देते हैं और उन तक रसाई बहुत मुश्किल होती है। और अब जो हमारे अमूमी इस्तेमाल में जितने भी टूल्स हैं इंटरनेट के, वो उस तक रसाई हासिल करने में इतने कामयाब नहीं होते। उसके लिए ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र एक ख़ास किस्म का ब्राउज़र है जो कि डार्क वेब के ऊपर जितने डार्क वेब के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टॉर ब्राउज़र अब कैसे काम करता है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक प्याज की। प्याज होता है, अगर प्याज को आप काटें तो उसकी मुख्तलिफ तहें देखी जा सकती हैं। अमूमन जब हम इंटरनेट पर कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो वो डायरेक्टली उस चीज़ को, उस वेबसाइट को, उस कंटेंट को निकाल के ले आता है ब्राउज़र। लेकिन टॉर ब्राउज़र इस तरीके से काम नहीं करता। टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है? वो टनल्स के अंदर काम करता है कि अगर आपने कोई चीज़ निकाल के लानी है तो वो पहले एक टनल से गुजरेगा, फिर वो दूसरी टनल से गुजरेगा, और फिर वो तीसरी टनल। और ये टनल्स क्या हैं? बेसिकली एनोनिमस कंप्यूटर्स हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, जिनके तहत ये आपकी जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो ट्रैवल करती है, और आपके जो फुटप्रिंट्स हैं कि कहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं। अमूमन आईपी एड्रेसेस होते हैं आपके डिवाइसेस के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जब ये टनल्स के थ्रू से आप किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो आईपी एड्रेसेस वो उसका ट्रेस बैक नहीं रहता, उसको आप उसको दोबारा से देख नहीं सकते कि कहाँ से एक्चुअली ये एक्सेस किया जा रहा है, ट्रैफिक कहाँ से जनरेट हुई है। तो बेसिकली ये एनोनिमाइज कर देता है ट्रैफिक को, और जो मुतलका मवाद आप डीप वेब से निकालना चाहते हैं, डार्क वेब से निकालना चाहते हैं, वो ये मदद करता है आपको कि वहाँ से आप एक्सेस कर सकें। अब अगर मैं ये कहूँ या दुनिया ये कहती है या पाकिस्तानी खुसूसन ये कहते हैं
कि डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल होती है तो ये कतन गलत है। जो डार्क वेब का साइज है वो सतही जो इंटरनेट है उससे कहीं गुना ज्यादा है। एक स्टडी को यहाँ पर मैं अगर कोट करूँ तो उनके मुताबिक 4,000 से 5,000 गुना ज्यादा बड़ा डार्क वेब है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक छोटा सा कंपोनेंट है। दीगर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जैसे ड्रग्स की परचेजिंग, स्मगलिंग की चीज़ें, गन्स की परचेजिंग, बेतहाशा और दीगर चीज़ें वो इस डार्क वेब में होती है। लेकिन ये भी इतना ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये तासर भी गलत है कि डार्क वेब में सिर्फ और सिर्फ इल्लीगल एक्टिविटीज़ की जाती है। नहीं, बहुत सारे ऐसे काम भी किए जाते हैं जो कि इल्लीगल नहीं बल्कि उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं। और ये भी बता चलूँ कि स्टेट्स, कंट्रीज और कंट्रीज के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ इदारे, खुसूसन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो भी इसको इस्तेमाल करती हैं डार्क वेब को ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए। अब पर्पज सर्वेलेंस का क्या है, वो इंटेंशंस वो कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी हो सकती हैं, लेकिन स्टेट को ही पता होता है कि वो क्यों कर रही हैं। लेकिन स्टेट भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी जो कि डार्क वेब से रेलिवेंट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करती हैं ताकि वो नज़र रख सकें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर। बहुत सारे इदारों की कम्युनिकेशंस बहुत सेंसिटिव होती है तो उन सेंसिटिव कम्युनिकेशंस तक रसाई किसी का ना हो, प्रिवेसी जिसे हम कहते हैं, राइट टू प्रिवेसी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसी ही टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट कर देती हैं कि वो कम्युनिकेशन जो मैं अगर एक अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ कर रहा हूँ वो उस तक रसाई किसी और तीसरे बंदे की, चौथे बंदे की ना हो, कोई बाहर से आके वो मेरी कम्युनिकेशन देख ना सके, तो उसके लिए भी इस किस्म की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसमें आप अपने जो कम्युनिकेशन है उसको महफूज बना सकते हैं और कोई उसको रीड नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजीज भी इस मार्केट में मौजूद हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप क्लेम करता है कि उनकी जो कम्युनिकेशन व्हाट्सएप की होती है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब यही है कि भेजने वाला और उससे जब उसकी डिवाइस से कुछ चीज़ निकलेगी और जब तक दूसरे बंदा जिसको आप भेज रहे हैं, जिसे हम रिसीवर कहते हैं, उस तक पहुंचेगी, दरमियान में कोई बंदा उसकी कम्युनिकेशंस को नहीं पढ़ सकता ना देख सकता है। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं और इसी तरह की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डार्क वेब या डीप वेब को एक्सेस किया जाता है। तो इसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं, बुरे इस्तेमाल भी हैं। क्या डार्क वेब खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है डार्क वेब। इसके जैसे मैंने पहले बताया है कि इसके पॉजिटिव, इसके मस्बत इस्तेमाल भी हैं और इसके मनफी इस्तेमाल भी हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करके अपने ऐसे एक्शंस करना चाहते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, खुसूसन लॉ या कानून उनको जुर्म कर बांधता है, तो फिर डेफिनेटली उनका एक नुकसान ज़रूर मौजूद है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, पूरी दुनिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री बैन है। कोई भी मुल्क बच्चों को इस किस्म के जिन्सी मामलात में इस्तेमाल करना और फिर उनकी फिल्मिंग करने के बाद डार्क वेब को इस्तेमाल करते हुए, डीप वेब को इस्तेमाल करते हुए उनकी तशहीर करना, क्योंकि डीप वेब पे एक उसकी ऑडियंस मौजूद है। अगर से ये पूरी दुनिया में बैन है लेकिन डीप वेब को की वेबसाइट्स के ऊपर इसको मुहैया, इस पे इसकी इशात करके लोग इसको देखते हैं और बाकायदा इसके लिए पे करते हैं, और कैसे पे करते हैं, डेफिनेटली आम जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स हैं उसके थ्रू ये पेमेंट नहीं होती है। उसके लिए डीप वेब के अंदर, डार्क वेब के अंदर एक और टेक्नोलॉजी है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं या डिजिटल करेंसी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली वो करेंसी इस्तेमाल होती है इस किस्म की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, पोर्नोग्राफी का कंटेंट एक्सेस करने के लिए। और अगर कोई पोर्नोग्राफी से हट के भी ऐसे चीज़ें या सर्विसेज को परचेज करना चाह रहा है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जुर्म या कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, तो भी उसके लिए ऐसी ही डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल करेंसीज की अपनी एक वैल्यू है। एक जैसे मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन का एक कॉइन लेट्स से के 20,000 उसकी एक कॉइन की
$20,000 के करीब इसकी अगर उसकी एक मालियत तय कर दी गई है तो आप $20,000 तक की चीज को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सर्विसेज को परचेज करते हैं सिर्फ एक बिटकॉइन के साथ। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि डार्क वेब को इनेबल करती हैं और ये एक बहुत बड़ी एक इस डार्क वेब के ऊपर बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑपरेट होती है जो कि मुख्तलिफ अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है। ये कहा जाता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाकिस्तान उसका हब है, ये कतन गलत है, ऐसी हरगिज बात नहीं है। डार्क वेब या जो डीप वेब है वो डेफिनेटली एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जैसे इंटरनेट हमारा सतही, जिससे मैंने सतही इंटरनेट की बात की, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि हर किसी की उस पर रसाई मुमकिन है, लेकिन खास सॉफ्टवेयर और खास प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है और खास टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान इसका हब नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पर कवानीन का इतलाक इतना स्ट्रिक्ट नहीं है इस किस्म के जराइम को रोकने के लिए, तो वहाँ पर इस किस्म का इन्वायरमेंट ज़रूर क्रिएट हो जाता है जहाँ पर लोग बच्चों को जिंसी मामलात में इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, बल्कि उनकी फिल्मिंग करते हैं, शूट करके फिल्म को उसको डार्क वेब पे सेल आउट करते हैं। लेकिन इसके जो यूज़र्स हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे डार्क वेब पर मौजूद हैं जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो कंटेंट है उसको सेल आउट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बहुत सारे केसेस अब सामने आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि हालिया दिनों में ये सुहेल अयास का केस सामने आया, कसूर में और चुनियोट में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो ये एक बढ़ता हुआ और ख़तरनाक ट्रेंड है। आई थिंक साइबर क्राइम जो हमारा लॉ है उसके अंदर सेक्शंस मौजूद हैं जो कि इस किस्म के जराइम का तदारुक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कि साइबर क्राइम को इनेबल करने वाली अथॉरिटी है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है, जैसे कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उनका साइबर क्राइम का जो विंग है, उसके पास इतनी इस्तेताअत होनी चाहिए टेक्निकली कि वो इस किस्म के जराइम की खोज लगाने के लिए वो टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। ये बड़ा एक गलत पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट है कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आता ज़रूर है लेकिन नेगेटिव वेज में हमारे इदारे मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के जराइम को रोकने के लिए बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं अक्सर ऐसे सेमिनार्स में, ऐसे मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जहाँ पर ये चीज़ बार बार दोहराई जाती है कि FIA की इसकी जो कैपेसिटी है उसके बहुत इश्यूज़ हैं, उनके पास शायद अभी तक फॉरेंसिक लैब तक नहीं है जो कि साइबर क्राइम लॉ उसको इजाज़त देता है कि उसने उसको उसका काम करना है, उसके लिए फंड्स गवर्नमेंट ने मुख्तस करने हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, FIA को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और FIA को ये भी बताने की ज़रूरत है कि कवानीन का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ, मस्बत इरादों के साथ करना चाहिए।